अनुज इनते रो के जागा तू। अच्छा अच्छा मना दिए आशिक, रो के जागा ले मोसा गेर इसके मुंह में ताका। अनुज देख इसे, बिजली की लाइन ना आया, इस लाइन में को भूत काट देंगे तेरा। सब रो के जा इनते, हट जाओ सपेट में आ जाऊंगा, हट जाओ। बिजली तो खतरनाक लाइन है या, इस लाइन में कोई भूत बार काट दिया हम तो के में ना रह जाइयो। पिपड़ के पत्ते पे बैठा के भेजू माँ। अनुज छोड़ रहा हूँ मैं। जिसे बड़ा कहो काट लियो, काट दे जा यहाँ। ये देखो ये जलवे हमारे, इन्हें खाली लकीर मान के ना बैठ जाइयो। हंस रहा था ये भसा दू, देखिए इब्री बादू। अच्छा कर वो कार्ड खोल के पढ़ के करना, यू तो भी ठीक करया पढ़ मंत्र। इसे ज्ञान नहीं है बिकारी, जीप पे धरले पंचु दाने दिखा के लिख रहा। नहीं या नहीं वा किताब लिया, उसके मंत्र मारेंगे। टाइम क्यों खराब करना मन रहे, मंत्र मार के जल का छिट्टा मारो, जब भी जाओगे लिखड़ के दिखाओ। 7 समुद्र का जल हाथ में लेके छींटा मारे। तेरे ते पत्ती पता मत है, असली क्या थी बील है। 7 समुद्रों का पानी है इसमें, सारे भूत इसमें डबो के मार रखे हमने। बच के ऊपर बचल हो। नाम बता, नाम बता। मेरा नाम है इकबाल। इसमें क्यों आया मैंने पूछ रहा। यूं मुझे अच्छी लगी इसलिए आया। तू हमें अच्छा लग रहा, इसमें पता कितने बंद हैं? इसमें कर दूंगा बंद, ऐसी बोतलों में कैद ना होता मैं। अजय नहीं पता तेरे कैसे हमने कितने ठिकाने लगा दिए, लान लगा रखी डाल बोतलों की। एक कक बोतल में 21-21 है, वे जोन से समुद्र में नेवे कुएं के मिंडक बना दिए बोतलों में हमने। चल फूंक मार इसमें, फूंक मार। थारे जैसे पता नहीं मैंने कितने देख लिए, फिर हम अपने तरीके से मरवा देंगे। तावल कर ले, ऐसे ही मान लगायू, जल्दी कर, जल्दी लगा मुँह का। तेरी खैर हो तो मान जा, एकदम वार ना हो जा। इतने ड्रामे ना देखते हम, फूंक मार एकदम, अपने आप ही मारते हैं। मका एक तो एक शुद्ध कर दिए आशिक, मार फूंक। क्या बस, हवाओं के माहिर हैं हम, हमने लो यही बंद कर, यही करिए बोलो हमने। यहाँ पकड़ ऐसी कील गाइड देंगे, भूल जगा ही भाई नाचेगा। इकबाल बोतल में कैद, देख दिख गया के नू कर दे। रे एक तक पहली चिंता तू हो रहा है, सवेरे तो चढ़ ना दिया एक भी। तू मेरे काम का दिखे। हाँ चल। बम 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 बम। आज से किसी का पेट खराब नहीं होने दूंगा। तो साहिबान कदरदान मेहरबान, इधर मुड़ के देख मेरी जान। तो हमारे बुजुर्गों का हमेशा से कहना रहा है कि घर पे रखी चीज और बड़ों की बताई बात समय पे काम आ ही जाती है। और इसी बारे में आपको बात बताने, अरे यार मैं तो भूल ही गया, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और आपकी बस भी चलने ही वाली है। तो दोस्तों हमारे पास हुआ करता है ये मूली के खार का पेट सफा चूरन। कई भाई तो इतने डरते हैं कि मूली के खार के पेट सफा चूरन के साथ साथ कई खुद ही सफा ना हो जाएं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये चूरन उतना ही सेफ है जैसे माँ की गोद में बच्चा। कई भाइयों के कब्ज रहा करती है, लैटरिन में बैठे बैठे कई कई बीड़ियां फूंक दिया करते हैं लेकिन फिर भी उसकी लैटरिन नहीं उतरा करती है। कई भाई लैटरिन में जोर लगाते रहते हैं, थक जाते हैं भाई साहब, पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होने से पेट में गैस भर जाती है और कहते हैं गैस 70 बीमारी की माँ है। अगर गैस भाइयों पेट में रुक जाती है ना तो पेट को फुला दिया करती है, और अगर गैस मुंह से निकले तो भाई सब छाला गाल देती है। और वही गैस अगर तुम्हारे सिर में चढ़ जाए ना तो भाई साहब चक्कर ला देती है, सिर में बहुत जबरदस्त दर्द होता है। अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराओगे ना कुछ नहीं आने का, डॉक्टर धमका के भगा देगा ये कह के कि तुम्हारा वहम है। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है और उसका इलाज हमारे पास है। हमारे पास है मूली के खार का पेट सफा चूरन। कई मेरी बहनें खाना बनाते समय जितनी गैस जलाती है उससे ज्यादा तो वो पास करती रहती हैं। ऐसे बहन भाई बिल्कुल ना घबराएं, हमारे पास आएं। हमारे पास है मूली के खार का
ये पेट सफा चूर्ण खुराक लेने का सब तरीका हमारी कंपनी ने इस डिब्बे पे लिख दिया है। कई भाई सोच रहे होंगे कि इस चूर्ण में क्या क्या मिला रखा है। वैसे चूर्ण बनाने का तरीका सारी चीज हमारी इस डिब्बे पे लिख दी गई है। किसी तरह का बहम पालने की जरूरत नहीं है। हमारा चूर्ण आपकी आंतों को ऐसे साफ कर देगा जैसे नगर निगम की गाड़ी रुकी हुई नाली को साफ कर देती है। जा। आलिया सोक को सर संकट बड़ा है, संकट बड़ा है तेरा, पर सही टाइम पे सही जगह आ गई, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लिखता है प्रसन्न करने वाला, बुरे दिन बीत रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, और जाओ चवन्नी बाबा के पास, तुम्हारा सारा दुख हर लेगा। आजा, धुम पचक धुम पचक आजा पचक धुम पचक धुम धुम पचक आम बात है पचक धुम धुम दुनिया में भरोसा किसी का नहीं। धुम चवन्नी लाल पचक धुज लुटा पड़ा है। हाँ बाबा तुम तो लुटे पड़े, मेरा तो इलाज कर दो। इलाज के फ्री में होवेगा। दक्षिणा रखो दक्षिणा। ये के अधूरा इलाज करवाना आके इलाज तो पूरा ही करवाना है। तो पूरे पैसे धरो। अब इलाज होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ये चवन्नी लाल की मबूती। हाँ फोम 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 मबूत चवन्नी लाल बाबा की है। गंगा जल का गिलास भर के और तुझे पूरे घर में छिड़काव करना है, और घोल कर पीनी भी है, और खाट पर छिड़कनी है। जा तेरे दिल दर कट गए। जा और सुन, वाह वाह, ये पलीता बाबा चवन्नी लाल का, ये पलीता ले जाके रात को 12 बजे अपने ऊपर तानना, हमारे पति के ऊपर तानना, और समझ ले पौने 12 बजे से जला दिए, नु समझिए तेरी सौतन चल रही है। नु समझ संकट कट गया। जा, जा। तो भाई एक दो रुपए के चक्कर में रहियो मत, छोटी डब्बी 10 रुपए की, बड़ी डब्बी 20 रुपए की। तुम सोच रहे होंगे कि 10 रुपए में तो 2-2 किलो की डिब्बी मिले हमारे यहाँ, तो फिर मेरे भाई यू छोटी सी दे रहा। तो मेरे भाई सुनो, 20 रुपए मेरे से ले जाओ, और यो रहा सामने मेडिकल स्टोर, इससे 2 किलो की डब्बी लाओ, वो 2 किलो की डब्बी अपने सिर में लगाओ, महारा इतना सा बाम और वो 2 किलो, इसके आज्ञा फेल है, ठीक है, मुकाबला नहीं कर सकती इसका, और अगर कर जा तो सारा बाम थारा। और सुनो, सारा बाम तो थारा है ही है, यो थेला टैर के नीचे अभी रख दूंगा, और आज से ही धंधा पानी बंद। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की, जय बाबा। राम राम बाबा। पुत्री तू तो पहले भी आई थी। हाँ बाबा आई थी मैं, अब मैं ठीक हूँ, पर बाबा हमारे देख नई आफत गले पड़ गई। बस यंता के तो काम ही मारा शुरू हो, हम बताओगे क्या आफत पड़ गई, चोर का पता बुझना आई ने तू। हाँ बाबा यही पूछने आई। नाम बता दूँ? हाँ बाबा बता दो। चोर है घर में। घर में? हाँ घर में, थारी बीत के तले रवे, थारा ही खावे थारा ही पीवे, और थारा अपना बन के रहे, और तू समझ गई होगी। फुम फुम। बाबा और बता। और के नाम ही बुझेगी, तेरे जेठ का बड़ा लोंडा है, जा बता दिया, और उसने तेरे पे एक बार पहले भी हमला करने की सोची थी, जिब तेरे पितरा गड़ गए थे, और इब तुमने पितरों का ध्यान रखना बंद कर दिया, नू यह सारा मामला। अरे एक और सुन ले, लगते ही फागण फिर ढैया से डरी, ते छोटे छोरे की जात नहीं दी लो, उसकी जात दे आ, और जा फिर ठीक रहेगी, पता लेती रह कर। यू काम निमटा ले, रोल चवन्नी दौड़े चली जा, जो उपाय चवन्नी बताऊंगा वे सारे उपाय कर लिए, और तेरे पो बारे रहेंगे।
बाबा कह दे दो। बाबा को कुछ नहीं चाहता, बाबा की ये जो हवा है ना हवा, इनका कुछ खर्चा है, जो तेरे पे बने वो दे जा। और जो सारा इलाज करवाना चाह, मेरा एक जोड़ा काला मोसा का एक कुर्ता, एक धोती एक कंबल, एक जोड़ी जूती, 1.25 किलो मिठा और 1100 रुपए इब की पुनवासी पे दे जा, तेरा सारा ही पाप कट जगा जा। और सुन इब चल उठ के अपनी बात कर चमन्नी लाल ते, और दुनिया दुखी बहुत फिर है, हमें सबके दुख काटने चल। बाबा ठीक है, अपना उपाय पूछ ले जाके। प्रणाम जा, तेरे सारे दुख हर लिए हमने। फम फम हरी लाली सही जगह आली, यह है लाली निब्बू, और ले इसे घर के मेन दरवाजे पे लटका दिए, टांग दिए से, जितना यू लटका हुआ हिलेगा उतने तेरे दुख दर्द कट जाएंगे। फम 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 आजा आजा, ले लगा माथे से चवन्नी बाबा का नाम लेकर। और सुन मेरी बात, फम 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 आजा आजा, यू एल अली पलीता, चवन्नी लाल बाबा का नाम लेके और ससों के तेल में जला के बैठी है, स्त्री लोगों ऐसे देखती रहिए, ऐसी देखती रहिए, कुछ दिखाई दे तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल भी नहीं, और खून दिखाई दे तो आंखें बंद मत करिए, आंख फाड़ के इसी को देखना है, मेरे सारे संकट कट जाएंगे। बोल जय चवन्नी वाले बाबा की, बोल। कितने पैसे हो गए बाबा? आजा आजा लाली, 500 रुपए दे दे दक्षिणा के, और 500 रुपए पूजा के, और बाकी तेरी श्रद्धा, बोल जय बाबा की, जय बाबा, जय बाबा की, जय बाबा की। देख लाली, तू पहले भी आई, तेरा पहले भी संकट काटा, तू अब भी आई, सारी बात बिल्कुल तेरी सही बताई है, बताई कि ना बताई? जी माता जी। कहीं पुलिस थाने में जाती 50-60 हजार रुपए पुलिस वाले नु ही ले लेते हैं, अब तू 2100 रुपए धर दे पूजा के नाम से। जी माता जी। फम 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 आजा 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 आजा, इना बचा का कहां ले जा रही, यहां लक्ष्मी को आपसे ना भेजते। जय बाबा की, 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 जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, हाय हाय मेरे नोट, हाय हाय मेरे नोट, ऐसे ही आते रहो रोज, हमारा धंधा चमकता रहेगा। हाँ, आज से पहले कोई सज्जन लेके गया हो, मारे चक्कर में आ गया हो, और बाम ने काम ना करा हो, तो अभी डब्बी लाके मारे मुंह पे मारो और 20 के 40 ले जाओ। और सुनो, मैं ये काम आज से नहीं कर रहा, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने यो ही काम करा है, ठीक है? और यहाँ से लेके बागपत, सोनीपत, मेरठ, बुलंदशहर, हप्पुड़, गाजियाबाद, गजरोला, बिलारी, कुंदरकी, चंदौसी, संबल तलक हमारा यो बाम बिक रहा, और कोई बनाने वाला नहीं है इस बाम को, प्रचार हमारा खत्म होने लग रहा। जिस भाई को चाहता हो जल्दी से बता दो, अपनी सीट से आवाज मार लो, जल्दी बताओ किस किस को चाह, और बाम ज्यादा नहीं बच रहा, थोड़ा ही है, जल्दी जल्दी बताओ। तू खड़े हो रहा है और तू चल यहाँ? मैं क्यों चलूँ? आ जा, मेरा कुछ ना हो रहा, मैं तो ठीक हूँ। अरे हम जान है तू कि तक ठीक है, आ जा, हम ठीक को ही देखे हैं यहाँ से, मेरा कुछ ना हो रहा। अरे तू यहाँ आ पहले, बैठा आगे को पकड़ के, सकल ही छलावे के सी ले रहा, यहाँ बैठ। अरे कह रहे ना भाई, घेरना बता रहा, इस पर तो मुझे क्या ही जिंद लग रहे हैं, इब तार देंगे सारे, ढंग दो, बैठा आगे को। ये तो जब से है जब से इसके रंग ढंग ही बता रहे हैं। फम 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 फम, ये तो इब बता दे तागा पर ढंग दे, एक बार उसकी आंखें तो चढ़ी हैं, तागा बता देगा ना कि के चढ़ रहा। अरे पकड़, हां पकड़ ना, इब काट दिया, हट जाओ पीछे को, हो जाओ, एक तेक भूत को डाया हमने, एक तो तेक तू के समान है, चेचे ठीक कर दिए तेरे कैसे बहुत देखे, ई बगल ठीक कर दूं, 12000 बाबा को चकमा देना चाह रहा, फूंकते फूंक दूं मां, फूंकू ही फूंकते हूं सारू को, गुमराह कर रहा।
आई टाइम दे रहा ई बा जगह शरण में ची बोल लगा इब देख दे खींच हड़के में ले रहा अजा पानी के छिट्टे मारो ना इसके दो लगाओ कनपट्टी पे जब ही बक्का रहेगा यू नाम बता शक्ति सिंह झूठ बोल रहा तग्गे के आगे झूठ बोल रहा सही बता नाम की है शक्ति सिंह अरे शक्ति सिंह तेरे ते बड़ी बड़ी शक्तियां बोतलू में गली दरी शक्ति सिंह असली नाम बता के है अनमोल इब भी गलत बता रहा नाम बता सही अनमोल है अनमोल है लगाइए इसकी अंगली में दबा इब बताओगा ये कौन है अंगली देंगे ना दे दबा ओ मार दिया अनमोल है इब भी झूठ बोल रहा अनमोल है सही नाम बता सही बता दे अनमोल है बोल अनमोल है कसा गले में गले बोल बतान तो लग रहा हूँ अनमोल है बता दे मोसा था लोग कोई चपरिया नहीं अच्छे अच्छे बोतलू में गले दे रहे आशिक नाम बता जान बचा बतान तो लग रहा हूँ अनमोल ही है गा नूना छोड़ रहे हम तजे करके बोतल में बंद और दरू में गाड़ देंगे दरू में बहुत गाड़ रखे हमने बता क्या है नाम अनमोल ही है बता देना तेरे दबन के नाम का गड्ढा तैयार करवाया जा रहा है अब जा बोल दे इतना टाइम नहीं लगाते हम अनज भाई अनमोल ही है यू नहीं बतावे आखिरी दाब दे इस पे दो ठोकी तू किसके हाँ ठोक दे ओ मर गया इसे वो सुंगावे ना अपने आप ही बोल लगा यू यू ना बक्का रे भला जवन्नी ले मसाला सुंगा सुंगा से यू तो दूर इसके तो फरिश्ते भी बोल लेंगे यू ना बक्का रे अब बोलेगा की पता था के नाम है अनमोल है यू कुछ और करवावेगा अरे अब तो बता दे राजी खुशी बता दे ना तू कुछ और करवावेगा मारे पे इब कुछ और ना करो मैं बता रहा नाम आ गया ना लाइन पे बता कौन है रजाक हूँ भाई इसकी गैल कहाँ ते लग गया बता कब्रिस्तान में तो हूँ यूं आम मूत रहा था तो फिर लोगों का मूत रब बंद करेगा तू इसकी गैल तू ही है केला या और भी है दो चार भाग गली गली अरे ध्यान ते सुन सात डाल के तो नाच और तीन डाल की दाल और मीठे में 5 किलो तो गुड़ और शक्कर और शक्कर भी और बिना मसाले की और 11,000 रुपए लेके गुरु जी के धोरा आ जा समझ गया और फिर तू पिपल के तले बैठ के खेल ले जारिब और को अंत किसी को जा जवन्नी ते अपना सामान ले ले और मौज को आजा आजा यू तभी जाए सुन मेरी बात इसे घर जाके काले कपड़े में सिलवाइए ठीक है और यू ले खाला धागा इसे गले में पहनिए और ऐसा पहनिए दिल पे लटके ना तो दो उंगल ऊपर ना दो उंगल नीचे समझा ले इसे छू मत ऐसे बाबा चवन्नी लाल का नाम लेके यू ले दूसरा तभी इसे भी काले कपड़े में सिलवाइए और लाल धागा लपेट के और जाके सेब के पेड़ पे लटका दीजिए जैसे जैसे सेब लाल होता रहेगा मेरा दुख दूर होता रहेगा समझे हाँ ले पुचकार के धर बन दौर है सेब की तरह हो जाएगा लाल तो झुका बाबा चमनी लाल के आ गया ले तेरे दुख दूर तेरा काम फतेह अरे वैसे ही दुख कटवा रहा दक्षिणा तो धर के जा वैसे ही फतेह करवा के जा रहा गिनते गिनाते ना हमारे बाबा के यहाँ नुई धरे जा धर दे हक्कू जा जा रही बात कीमत की तो हमारी डिब्बी की जो कीमत है सिर्फ 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया अगर मेरे किसी भी बहन भाई को मेरे छोटे भाई को ये डिब्बी चाहिए तो आप ही के पास वाली सीट पे आपका भाई सैंकी आपकी खिदमत में हाजिर है लो भाई साहब लो
अगर किसी के पेट में दिक्कत हो तो अभी बताएं, अभी तजुर्बा, वरना माता जी बाद में तो भाई ये ले लो। अरे ले लो, अरे अम्मा तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले ले। लो माता जी आप भी लो, अरे ले लो, इधर भी ले लो बच्चे, तेरा पेट हमेशा साफ रहेगा। अरे भाई बिकली होंगे चूर्ण था रे। अच्छा जा रहा हूँ ना, बस लेगा, टाइम हो गया बस का भाई, मिला लेना फोन, जरूरत हो तो। अरे ओ चवन्नी, निंगे को लखा मेरी डबकू, कुछ साधना वाधना कर ले। अरे भाई राजवीर सुन भारी बात, भारी बस की ना यू काम करो, कमी लोग करो। हाँ मुझे भगवान ने बहुत देर रखा है कह। हाँ अरे चवन्नी, अरे हिला ले जुबान को थोड़ी बहुत, अरे और बत्ती मिला कुछ। अरे ना मेरे बस की ना भाई, कमी कर लो जो कुछ करना, मैं थारी गेल लगा रहूंगा। हाँ ओ अनुज, छोड़ती जा फिर भीड़ लग जाएगी, तू अपनी कर ले साधना, इसके चक्कर में तो सारा धंधा बैठ जाएगा यू। अरे मौसा हम तो लाग ही रहे, इस क्षेत्र की जौन सी दूर दूर लोग की बीरबानी अपने घरवालों के बकाए में नहीं आ रही थी, वे हमने समझा दी, पर मारते तो यूं नहीं समझाया जा रहा। साधना ते समझाया जाएगा, तू साधना में लग अपनी, एक बढ़िया हाथ आकाश का ही बना दे। बनम्मा साधना में लग पहले, इसे भी खिलम्मा, आखे के पत्ते पे खिलम्मा। अलक निरंजन, अलक निरंजन, हवा में खेल, धूप में खेल, पानी में खेल, पर गांव खेड़े ते जा। बुरा खा, घी बुरा खा, घी शक्कर खा, मिठाई खा, पर गांव खेड़े पे ते जा। पानी में खेल, पिपल पे खेल, गांव खेड़े ते जा। आखे पा, पिपल पा, पर गांव खेड़े पे ते जा। रेटे के पेटे पे खेल, हवा में खेल, झाड़ा मार, जाना पड़ेगा। पीर पे खेल, भूमिया पे खेल, गांव खेड़े में ते जा। हवा में खेल, पानी में खेल, गांव खेड़े में ते जा। रसगुल्ले खा, बर्फी खा, मिठाई खा, पर गांव खेड़े में ते जा। खेलूमा खिलाऊमा, पर गांव खेड़े को बचम्मा, ना पाख हवाओ को भगम्मा। खुलगी खुलगी, देख ले अब कौन खड़े आ गया हमारा। हाँ अच्छे अच्छे सुधार दिए, धरती में मिला दिए, आई कुछ बुद्धि। फूफा 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 फूफा, मेरा कुछ फूफा गई। पीना नहीं है, फूंक मार, फूंक मार। जुबानी हवा बोतल में बंद, पहुं में पड़ जा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ईब खड़ा हो, गांव खेड़े में तो नहीं आवे। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं आऊं। झांक न जाइए बस। सुख शांति समृद्धि, जय शंकर की जय, जय भोले की, 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 जय चुप। कालो का काल हूँ मैं, माँ काल का भगत हूँ मैं, देखी त्रिशूल जैन में दे तुम्हारा।
मजा ना छेड़ा हिम जा दे से तू पीछे को हो जा यो बसम भी कर दे समझ गया इसे भी देख लो मर तुझे भी बता तुम्हारा ओए हाथ पीछे डाले समझ गया जानता ना तू अभी हमें बेस है ओए हमारे पापा ने यही सिखाया इसे धमकाता क्यों ना दे तू अरे काम कर लो ना कर लो अरे हमारा मैटर तो सुलझ दे यार तू काम कर लेना हां यो बड़ा बंदा तू भी कुछ बोलेगा बोल ले अजी मैं तो मम्मा हूँ जी इन सालों ने मुझे भी जबरदस्ती बचा दिया बेटे तू तो मम्मा ही बीच में मत बोल बे साहब जी मैं तो दंत मंजन बच्चे करूँ जी लोगों का गारंटी के साथ इलाज करे करूँ लाओ थारा भी कर दूँ अरे ओए मम्मा मारा मम्मा इस पे महाकाल का प्रकोप है इसमें 10 रुपए डाल दे ये चल जाएगा ले हमारी दादी को अगर पता चल गया ना तो तेरे को यहीं भस्म कर देगी समझ गया ईट से ईट बजा देगी थारी दोनों की समझ गया छत्ती काटा छत्ती मारे बाबा की तड़िया हुआ करे यो दे ले अंदर हमको मैं दिखावा यो 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 हाँ तू टेंशन ना ले इन्हें बाद में देखेंगे हमारी दादी गुस्से फोड़ा इस सर समझ गया इस अंदर कुछ रख रहा तू ही बता पहले तुझे देखे अरे ओ, ओ, ओ। सिद्धा नहीं हो रहा सिद्धा कर दूंगा ओ भैया तुम जाओ यार बेमतलब मुझे फंसवा दिया चक्के पे सोओगे मुझे जेल में तू महाराई मामा है या किसी और का अरे किसी और का यही अरे नहीं महाराई है मुझे तो ना लगता साला दंत मंजन भेजने लायक भी है छोड़ोगे क्या तू घबरावे ना मारा बापा हमें कुछ नहीं होने देने का पचक दुम दुम के कष्ट है बता बताना के है इसका तो नाश हुआ पड़ा यू तो नुमान नो निमट लिया कुछ नहीं रह रहा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ मेरी जिंदगी खराब हो गई मेरे पेट में दर्द मचा रहा पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखा बाबा डॉक्टर ने मेरे इलाज कम करोगे बर्बाद कर दिया डॉक्टर ने मेरा कैंसर बताया है डॉक्टर सही कह रहे कैंसर ही है पता कैंसर कैसा हो राजी मोत ना बताओ आजा मैं बताऊंगा दर्द ठीक करूंगा तेरा तेरे पे कंस की कुड़ी की हवा है समझ गया कंस की कुड़ी की हवा कंस की कुड़ी में खेल रहा तू बाबा इसका इलाज बताओ इलाज तो इसका हो जाएगा पर इलाज घना केड़ा पड़ेगा तो देश का बाबा कैसा इलाज बता दो मैं कर लूंगा ग्रंथ खोल अमावस्या की रात को 12 बजे शमशान में जाना है और मुर्दे की राख लेकर आनी है और सुन ध्यान से उस राख में खोपड़ी की राख होनी जरूरी है मेरे बस की ना बाबा रात को शमशान घाट बना जाऊंगा तो मेरे बस की ना तेरा इलाज अपनी खतर कुछ कर भी नहीं सकता तू पता के क्या कर दे आदमी बाबा बहुत कह रहा हूँ मैं चौड़े इनका मैं तो अपनी जिंदगी में लगा चौड़े इनका ईब जागा ना ईब जागा या तो आप जागा या ऊ जागा जाना तू हम भेज जाएंगे मारी सुन बात या तो अपने आप चला जा वहाँ अपना इलाज करा ले ना तो जाए फिर चार आदमी लेके जाएंगे वहाँ जाना वहीं पड़ेगा या तो ठीक होने के लिए चले जा ना सदा के लिए चले जा नहीं तो खर्चा दे दे हम अपने आप कर लेंगे बताओ तो खर्चा बताओ जा चवन्नी पहुंच चवन्नी बाबा बता रहे भी तेरा समाधान हम चवन्नी में सोते हम अपने आप कर लेंगे फम 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 आजा 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 बोल जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा चवन्नी की बहुत अच्छा रहा तू चवन्नी बाबा की शरण में आ गया नु समझ तू तो निबट लिया था अब सुन मेरी बात ये भभूत बाबा की है हम फम फूफा हम फम फूफा देख ये घोल के गंगा जल में शाम को पी जाइए घोल के और थोड़ी सी पेट में लगाइए ठीक है थोड़े माथे में लगाइए तेरा दर्द खत्म दे दक्षिणा अरे दक्षिणा तो रख दे अरे यह सब उल्टे पैसे न जाते हैं भैया जो लक्ष्मी आ जाओ जाने का नाम बहुत चटाना बहुत जय बाबा की जय बाबा की फूम 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 जय बाबा की फूम फूम फूम
अरे कोई बचा लो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे भाग जाओ, अरे दस लिया भागी, चार बचा भागो। अरे मैं नू कह रही हूँ इस धंधे को छोड़ दो, मुझे तो ऐसा लगा है किसन का आदमी दिखा था, उनने भेजा है भूत छोड़ने के लिए, ऐसा ना हो। लिकेट गी पर यह बात तेरी समझ में तो आ गई पर मेरी तो समझ में भी नहीं। ऐसा ना हो कदी घेर छोड़ना पड़े। अरे चलो इस बबाल को बाहर फेंके हो जो तुमने इकट्ठा कर रखा, आओ जल्दी। हवा थी घनी कैडी हवा थी। अरे तुम ऐसा कैसा हड़बड़ा रहे हो, इस रगड़े को उठाओ सब फेंकाओ बाहर को, चलो जल्दी। सिंगवा दे एकदम। ओ भगत ये इंडिया वेंडिया की लत्ते पत्ते फेंक सब रे तक के टाइम करो। अरे ये काले लत्ते भी काट दे, काट दिए बस एकदम पीटते की सारू के कक्के। ओ नुज माला गले में फंसी की सकट भाई एक बार। अरे निकटवा सर डंगा जी इसमें गर्मी बहुत लग है। ये ठाये ग्रंथ से ये इंडे किसने ठिके यहाँ सारी डरावनी चीज के ठिकरा की यहाँ। कौन है ये लोग? सर ये खाने पीने की चीजों में मिलावट करके बेचते हैं। हाँ, और झूठ बोल ले तू। इंस्पेक्टर साहब तुझे कहीं दफा बता लिया हमें छोड़ दे, नहीं तो हम सबका बब्बा आ जाएगा और तेरे पे भारी पड़ जाएगा, समझ गया? सर जब से ये आए हैं इसी तरह की बकवास कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों को डंडे किस लिए दिए हैं? तुम लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हो, अनाप शनाप चीजें बेचते हो, लोगों की जिंदगी से खेलते हो, भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हो। क्या आप लोगों को पता है मिलावट निरोधक कानून 2006 के तहत तुम्हें उम्र कैद हो सकती है, 10,00,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं? नहीं साहब हमें ना पता। अच्छा तुम क्या बेचते हो? साहब मैं तो मूली के खार का चूरन बेचा करूं। कौन बनाता है चूरन? अजी मुझे कुछ ना पता, यो तो मेरा बाबा बनाया करे, मैं तो बेचता हूँ बस। चूरन बेचकर जो पैसा बनता है, हाँ जी, उसका क्या करते हो फिर? अजीज मेरे सारे पैसे बाबा ही ले ले, मेरे पास ना तो कुछ भी। तुम्हारा बाबा बाबा है या डोन है? नाना जी नाना, ये डोन ना है, हमारा बाबा ही है। अच्छा तुम क्या बेचते हो? साहब मैं तो बस बाम बेच के करूँ, पर मेरे बाम में कोई साइड इफेक्ट ना है। ये बम बनाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं सर, लाइसेंस तो बाबा को ही पता होगा। तो तुम भाई भाई हो दोनों? हाँ जी हम सब भाई हैं, बस यू हमारा मामा। वैसे बम सप्लाई कौन करता है? अजी सप्लाई कोई ना करता, हमारी तो अपनी कंपनी है, हमारा बाबा ही सब कुछ बनावे। जो तुम पैसा कमाते हो वो पैसा भी वही ले ले जी। वेरी गुड। और भाई तुम? शॉप मैं तो दत्तों का मंजन बेचा करूं। क्या डालते हो उसमें? कुछ ना जी बस काली मिर्च, हींग, कोयला और काला नमक और नीम, इन सबको मिला के मंजन बेचूं मैं। कौन सी कंपनी बनाती है? ए जी मेरा मोसा बना बे जी। हाँ अच्छा वैसे तुम्हारे मोसा का बिजनेस क्या है? कुछ ना जी खेत में मिर्च बो रखी बस। हाँ आतंकवादी है तुम्हारा मोसा है? अजी मारा बाबा आतंकवादी क्यों होता, हम तो शरीफ और मासूम लोग हैं। अजी घर बैठे मारा बाबा लोगों के घर मौत भेज दे, लोगों के ऐसे दस्त लगे लोग बाग भागे फिरे और थोड़ी देर में ठंडे हो ले। काले कपड़े वाले तुम क्या करते हो? जी मैं तो महाकाल का भगत हूँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहता जी, जो भी कोई मुझे कुछ दे दे जी मैं तो वही ले लूँ बस, रुपया 2 रुपया मिल जा जी मैं तो वही ले लूँ जी बस, ज्यादा तो ज्यादा जी 10 रुपया मिल जा जी और कुछ नहीं मिलता जी। फिर वो पैसे? वो भी मारा बाबा ही ले ले जी जो मिले जी। इंस्पेक्टर जी सर इन सबसे 50,000 का मुचलका भरवाओ और एक वार्निंग लिखो उस पे साइन करवाओ इन सबके, और ठीक से समझा देना इन्हें। सुन लो भाई
यदि आप लोग मुचलका नहीं भरते हो तो आपको 7 साल की सजा मिलेगी या 10-10 लाख रुपए का जुर्माना होगा या फिर दोनों भी लग सकते हैं। समझ गए आप लोग? सर जी ये जेल नहीं जाएंगे, इन्हें कोई ना कोई छुड़वा लेगा। जेल जाने के लिए तैयार हैं, मुचलका नहीं भर रहे हैं? ठीक है, 10-10 लाख रुपए जमा कराओ इनसे, छोड़ दो इन्हें। सर इस बाम वाले का क्या करें? तो बताओ ना ऐसे बनाते कैसे? अजी साहब बताई तो थी, हमारा बाबा बनावे और हम बेच दे। अच्छा बाम बेचते हो, क्या फॉर्मूला है? अजी फार्मूला तो सब डिब्बे पे ही लिखा। इंस्पेक्टर जी। सर इनसे कहो 50,000 का मुचलका भरे, वार्निंग पे भी साइन कराने हैं। तुम समझ गए होंगे ना सारी बात जो मैंने इन्हें बताई? 7 साल की जेल या फिर 10 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है चलो छोड़ोगे जेल में, मिलावट करते हैं। सुन लो, आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत, ठीक है, या तो 7 साल के लिए जेल जाओगे या 10 लाख का जुर्माना। समझ गए? चलो सर इनमें से तो कोई भी मुचलका भरने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि हमारा बाबा सब देख लेगा। ठीक है फिर, जब तक इनका बाबा नहीं आ जाता जेल में डालो इन्हें। सपना सपना मेरे घर पे जाइए, जाके मेरी माँ पे कहिए, याद करे तेरा बेटा जेल में मेरी मैया, याद करे तेरा बेटा जेल में। सपना सपना मेरे घर पे जाइए, जाके मेरी माँ पे कहिए, याद करे तेरा बेटा जेल में। छह बजे बजे कठघड़ा जा बैठो जोड़ा ते, सुबह छह बजे बजे कठघड़ा जा बैठो जोड़ा ते, सुबह छह बजे बजे कठघड़ा जा बैठो जोड़ा ते, थोड़ी भी गलती हो जावे मार लगे कोड़ा ते। सपना सपना मेरे घर पे जाइए, जाके बाबा ते कहिए, याद करे तेरा पोता जेल में मेरे बाबा, याद करे तेरा पोता जेल में। गिन के चार मिले हैं दो कच्ची दो पक्की, रोटी गिन के चार मिले हैं दो कच्ची दो पक्की, रोटी गिन के चार मिले हैं दो कच्ची दो पक्की, तो ते मेरा पेट न भरता भूखा मर जाऊं सच्ची। सपना सपना मेरे घर पे जाइए, जाके बापू ते कहिए, याद करे तेरा बेटा जेल में मेरे बापू, याद करे तेरा बेटा जेल में। मच्छर पाड़ के खाजा सोना पड़े फट्टा पे, खटमल मच्छर पाड़ के खाजा सोना पड़े फट्टा पे, खटमल मच्छर पाड़ के खाजा सोना पड़े फट्टा पे, रात चांदनी तान के चद्दर तू सोवे अट्टा पे। सपना सपना मेरे घर पे जाइए, जाके बहना ते कहिए, याद करे
जेल में मेरी बहना याद करे तेरा पीरा जेल चोर बनागी उनकी बनागी सर जी थारी शिक्षा चोर बनागी उनकी बनागी सर जी थारी शिक्षा चोर बनागी उनकी बनागी सर जी जेल में गेरा केस लगा के कुछ सच्चे कुछ फर्जी सपना सपना गलियों में जाइए जाके यारों ते कहिए याद करे थारा साथी जेल में मेरे यारो याद करे थारा साथी जेल में सपना सपना मेरे घर पे जाइए जाके मेरी माँ ते कहिए याद करे तेरा बेटा जेल में मेरी मैया याद करे तेरा बेटा जेल में सपना सपना मेरे घर पे जाइए जाके मेरी माँ ते कहिए याद करे तेरा बेटा जेल में। कौन सा आओ एसडीएम पेशडीएम मुझे बताओ उसे मैं देखूंगी। मारी मौसी को जानता ना आयु अफसर बना अंडे यहाँ से वे किसी गेड़ी ठंडे भी रह लग रहे हैं नू तो देख लो कहाँ खड़े हो भले मार सा। सारे बालक तो उसने हमारे जेल में बंद कर दिए और तुम कह रहे हो ठंडे रह ले करो क्यों रहे हम ठंडे। अरे राजवीर इसकी शक्ल नहीं देखी किशन ते मिलने खाती बिल्कुल मजे तो नहीं लगे मुझे लगे किशन का लमड़ा आयो। अजी किशन का लमड़ा यहाँ कहाँ से आया वो रह वहाँ शहर में। अरे उसका नाम भी ज्वली था इसका नाम भी ज्वली है देखो ना प्लेट लग रही है ज्वल के नाम की मुझे लगा उसका लमड़ा ही है यू। मौसी ऐसा हो भी सके वो किशन पढ़ाई के प्रति घनौ रखा था उसका वो लोंडा भी होशियार था पढ़ाई में। ठीक कह रहा कभी बन गया हो जब ऐसी बात तो एसडीएम के घर समीप चलो ना किशन वही ना मिलेगा सारी बात बन जाएगी वही। ठीक कह रही तू किशन ते भी मिल लेंगे पर जो थरी सिमेंट में आती हो तो मैं एक बात कहूँ बाड़कू ते मिल लो तड़की किशन ते मिल लेंगे लेकिन एक काम करना पड़ेगा एमएलए साहब तो मैं मारी गैल चलना पड़ेगा वहाँ कभी मार पे मामला उल्टा पड़ जावा। बिल्कुल हाँ, चलना सभी हो सके नहीं मैं चलूंगा भाई लमड़ो का मामला है बिल्कुल चलूंगा थरी गैल हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तड़की चलेंगे बखती इस मामले में तो मैं मारी गैल खड़ा रहना। हाँ बिल्कुल थरी गैल हूँ भाई मैं तो पूरे गाँव समाज के साथ मिल के जाओ। ठीक है हम आवे मिल अच्छा तब मिले तब मिले चल रहे अनुज। अरे भाभी तू चिंता न करे मैं तड़की छुड़वा के ला दूंगा बालकों को दिक्कत नहीं है कुछ दिल्ली ना हुई भाभी बिल्कुल भी मैं हूँ गैल थारी। सैंकी ओ सैंकी हाँ तजे यो एसडीएम कुछ जन्ना पिछन्ना से नहीं लग रहा जैसे ऐसे कभी देखा हो क्यों रे मम्मा। अरे नहीं पागल हो गया यो सही कह रिया मुझे भी यो उज्जवल जैसा लगे। कौन उज्जवल है? उज्जवल जिसका घेर हमारे बाप दद्दाओं ने कब्जा रखा जिसपे हम कुंडली डाल के बैठे। भाई देख मुझे कुछ याद नहीं है सही बताऊं मुझे याद आ गया पर वो इतना बड़ा अफसर बना कैसे। अरे नू बना क्योंकि उसके बाप ने उसे ढंग की शिक्षा दी समझ गया। हमें देखो कैसी शिक्षा मिली अगर हमें बढ़िया शिक्षा मिलती हम भी आज अफसर होते और कई दिनों से तो भुक्के मारती। उन्होंने तो मारता बड़ी उक चूक कर ली उनकी उक चूक का ही पुच्छण आया जो उक चूक तुमने मारी गैल करी ना ऐसी किसी ने ना करी समझ गया। के बात कर रहा तू तम पाड़ पोस का उड़ बड़े कर दिए अपने पहुँ पे खड़े कर दिए और क्या चाहता मैं मारते सबके अलग अलग बिजनेस हो रहे।
इब थारी मिलाई करण आए देख पन्नी ठोकरे बिस्कुट के डिब्बे टमाटर मिर्च गंठे भर रेस में। आओ भाग्य हमारे जो तुम हमारी मिलाई पे पधारे, हमारी तो किस्मत खुल गई आज। बहुत बढ़िया कराना तुमने हमारे साथ, कीड़े मकोड़े बना दिए तुमने हमारी जिंदगी को, समझ गए तुम? तुमने कभी हमें पढ़ाया नहीं, कभी लिखाया नहीं, मारपीट सिखाई, बदतमीजी सिखाई, चोरी करना सिखाया। थारा जोर रहा है जनसंख्या बढ़ाने पे, आज देखो आगे कौन लिकड़ा है। हमें क्या सिखाया तुमने? भिक्षा मांगनी, भीख मांगनी। मोसा लेवल से ऊपर को बढ़ता जा रहा है इनका तो। ओ चाचा, तुमने हमारे से मिलाप के सामान बिकवाना शुरू किया था ना, देख लो आज हम कहाँ हैं। हम तो जेल में आएंगे, तुम भी जेल में आओगे। अरे तुम डरो ना, तुम कहीं जेल में नहीं रहने के। मेरा क्या कसूर था? अब तो राजेंद्र जी का ही मेरे साथ ना रहता, अब कहीं की रिश्तेदारी रह गई, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। यो एसडीएम उसी पड़ोसी किशन चाचा का लौंडा है जिसका तुमने घेर कब्जा रखा, आज वो एसडीएम बना बैठा। उज्जवल है यो उज्जवल। ओ पापा, तुम्हारी करनी, हमें भुगतनी पड़ रही है। बाल को बिल्कुल ना डर जाइयो, मैं ऊपर लो जम्मा। इसके बापू पे हाथ जुड़वा दिए थे और इस पे हाथ जुड़वा दूंगा, बेफिक्र रहो। तुम जानते नहीं कि अपने बाबा को कहीं बात ते घबरा रहे तुम, इस एसडीएम ने तो थोड़ा हाथ भी लगा दिया ना, चारू चिपट जाओ तुम, भूस भर दियो फिर मोसा देख लगा आप। ठीक है पूरे को आइए, यो केला आया ले, सैंकी पकड़िए। कर दिया काम दिखा भाई। जानवर चलो ने, हाँ ऊपर चला जा। कुत्ता है ऊपर? कुत्ता ना है, अधिकारी का घर है, पुलिस मिलेगी ऊपर। अरे नूजी यू कड़ा काड़ और यू माड़ा सी बितार, और तुम अभी अकल वकल है के ना, ये छाती के बटन खुल रहे। अरे थोड़ा तमीज से हो लो, अफसर से मिलने जा रहे हो। ठीक कह रहे तुम। आओ चल। राम राम जी, किशन पाल जी, राम राम जी, चाचा, राम राम, चाचा आ जाओ आ जाओ, राम राम, बैठो। कैसे बैठ चाची? सब बैठ लो। ले भाई बैठ गया, बैठ लो। अरे चाचा के कर रहा तू? खड़ा हो। अरे ओहो, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ, बैठना पड़ेगा, बैठ जा भैया, बैठ। चाची बैठे भी। इलियास जरा पानी लाओ भाई, चार गिलास। बैठो। और चाचा ठीक भी है? हाँ बस ठीक से ही है। हैं? अरे इलियास भाई पानी नहीं आया अब तक, पानी ले आओ भाई। चाचा को दे, चाची पानी ले। एमएलए साहब। हाँ जी। पानी लो। अरे चाचा 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 क्या कर रहा चाचा? क्या बात, ऐसे कैसे पी रहे हो? हैं? क्या बात हुई चाचा? चाचा ऐसे कैसे पी रहे हो तुम पानी? नहीं ना ना, मन जग रहे मुझे बेरा से नहीं चाचा, की बात कर रहे हो? मेरा हक सही ना पड़ता। ओहो हक कैसे ना पड़ता थारा, तुम इतने बड़े आदमी हो, थारे जैसा आदमी है इस धरती पे कोई? कुछ छोट बड़ाई भी हो, बड़े हो तुम तो, तुम बड़े हो, वही तो कह रहा हूँ, बड़े हो तुम, पियो। थारे जैसी जुबान किसी की नहीं। चाची पीवे भी। इलियास
गिलास ले जाओ। ये चचा तू तो घना शर्मा रहा ना। लो भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बता चचा, गांव में सब ठीक ठाक? बस ठीक ठाक। काम धंधा? काम धंधा भी ठीक ठाक सही है। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आजकल? बस मैं तो यही टोकरे टाकरे से पड़ा हूं, कुछ मिर्च छिबो रखी मैं उतर जाऊं। अरे यू क्या ले रहा? इसे दे दो, सिरका लाए। अच्छा सिरका है भाई, वाह। और यू के? इसमें देसी घी है, प्योर घर का देसी घी भाई। हाँ, वाह, बाबूजी को देसी घी बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ, प्योर ही है गांव का भी। चलो घर की बनी हुई एकदम प्योर प्योर चीज लाया, लड्डू लिया देसी घी के बनवा। अरे चचा घना ही परेशान होगा, आपस दारी में तो करना भी चाहवा। यू गुड़ लिया बिना मसाले का बनवा के, और एक चीज और लिया घनी बैठिया त्रिलोक की बाइनिया का चूरण। बस शहर में तो बढ़िया दवाई मिलती नहीं पेट की, और चाय ही गांव वाले मानस को तो पता उसकी बात का। अरे भैया नोई लिया है शहर में रहवे गैस वैसी बन जा। हाँ हाँ, वही स्वाद है, मतलब देख लो वही जाका है। हाँ ना, हमारे पापा भी खा करते। मैं तो मगा बाबूजी का पता लेगा अम्मा, और चूरण देगा अम्मा। अब चचा ज्यादा परेशान होगा, इसकी जरूरत तो कुछ थी नहीं। बैठो आप। चलो इलियास, इलियास ये ले जाओ उठा के सब कुछ। चचा ज्यादा ही परेशान होगा है। कोई बात नहीं, बस जी समझ नहीं ना मका बा घने दिन हो गए मिलियो। हाँ जी, मका ले के चलूंगा, या तो कहू जाती थे चची अब चलेंगे एक दिन मिल काम। अच्छा अच्छा, फिर या कहली का जी चल मका चल। चलो ठीक करा तुमने। चाचा जी जब आप इतना सारा सामान लेके आई गए तो वो घेर के कागज भी ले आते आप। बेटी घेर कल भी तेरा ही था, आज भी तेरा ही है, हम उसे कल को खाली कर देंगे। तुम अपने गांव में आ जाओ, हंसे खुशे रहो, हमारा भी जी लग जाएगा। अब आई ना चाची जी आप लाइन पे? लाइन पे के बेटी, हमारा घर टपके है, बालक हो गए घने, हमारा जगह ही ना हुआ, बस उसमें थोड़ा सा जी सा लग रहा था हमारा। अरे चाची यू घर कैसा लग रहा? हाँ यू भी अच्छा लग रहा, खूब लेना फागना करे भगवान तमें, और बेटे की लंबी उम्र करे अपने, रहो अपने में। ऐसा ना कर ले, हम जा गांव में रह ले और तुम यहाँ रह लो। ना बेटा, हम तो अपने में ही रह लेंगे। तेरा तेर को यू भी बना रहा है तेर को, और भैया तुझे वो भी बना रहा है, हम के छाती पे धर कर ले जाएंगे। सब काम करके चाची अब झिकली। चलो छोड़ दो, पड़ोस की बताओ चमन्नी लाल का क्या हाल है? ठीक है, चमन्नी लाल भी सही है। और बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, कोई चूरन बेच रहा, कोई अपना बस में लग रहा, कोई अपना कर रहे हैं अपना रोजगार। हाँ बस पेट ही पाल। हाँ बस पेट ही पालना भैया मजदूरी में तो। कंपनी कैसी चल रही है थारी? बस कंपनी वंपनी के एक धंधा से रुड़क रहा लग रहे, बस बड़ा खिले सिर, एक दो का ब्यास भी कर लिया, बस सब बढ़िया डाल चल रहा था। अच्छा, किसी डाल की कोई दिक्कत ही ना थी। बस एक बात कहनी सोचू, थरे वाला लड़का है जो उज्जवल, उसने पता ना किसी के कहे पे बस सारी बड़ा पकड़ के जेल में गिर। अच्छा अच्छा, बाप बाबूजी किशन लाल जी, थरा बहुत बड़ा आसान होगा, बालक जेल में चले गए, तुम कह सुन के उन बालक को कुछ। एमएलए साहब। हाँ जी। ये मामला है? मामला तो देख लो जी, बता रहे राजवीर जी। अब तो सुधार है इनमें, अब तो बहुत ही मतलब तरीके से रह रहेगा मैं ठीक है अब तो। नहीं जेल क्यों चले गए बालक? बालक है पता नहीं कुछ कर दिया होगा कुछ गड़बड़। मैं क्या कर सकूं उसमें फिर? बाबूजी तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो सारी बात समझो ही हो भाई, गाम राम की बात है। तो जेल किसने भेज दिए वे? मारे उज्जवल ने? हाँ बस। अच्छा। नहीं बता रही, वो वंकर का वो है साहब। यू कौन है? यू राजेंद्र की मौसी का छोरा। अच्छा, और राजेंद्र? बस राजेंद्र भी अपना नहीं लग रहा। अच्छा,
चलो जहां तक उज्जवल की बात है तो मैं कह के देखूं। इलियास जरा उज्जवल को भेजो। बस भैया हम तो यूं ही फरियाद सी लेकर आए तेरे धोरे, बाल को कुछ छुटवा दे उन्हें। बहु सेवा करो जा। बस कुछ सेवा पेवा ना करती उन्हें तो तोड़ देते मेरा हाथ पैर भी। ए? हाँ कैसे? हाँ बस लड़ाई सी होगी मेरे पे बजा दी लोही की फूकनी से। हैं? हाँ। उज्जवल बेटा इनके बच्चों का केस तुम्हारे पास है क्या? पता नहीं बच्चे किसके हैं वे, लेकिन कुछ अपराधियों का केस मेरे पास जरूर आया है जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। वे किसके बच्चे हैं इससे कानून को कोई मतलब नहीं है, वे केवल अपराधी हैं। बेटा उज्जवल वे मरे ही बाड़ा का, तुम सारे गैली खेल जा रहे थे छोटे छोटे से तब पिछाने नहीं के। बेटा उज्जवल ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये गांव में रहा करते थे, तुम जानते नहीं हो इन्हें? हाँ मुझे याद है। बेटा उज्जवल किसी तरह इनके बच्चों की जान बच सकती हो तो देख ले, पिताजी उन्होंने लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है, कई धाराओं के तहत उन पर केस बनता है, संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं, उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ बेटा उज्जवल हम मान रहे मेरे को भारी गलती हुई। बेटा तेरे पापा तो हमें खूब समझा कर रहा, पर हमारी समझ में एक बात नहीं आई, हमारे बालक भी पढ़ लेते तेरी तरह तो हमारा बालक भी कोई सा अफसर होता तेरी तरह, बस मार पर पढ़ाए ना गए बस वे। आप तो उन्हें ये बात सिखाते रहे कि दूसरे का घेर कैसे कब जाना है। बेटा उज्जवल तुम्हें याद है ना? हाँ याद है मुझे, मैं पापा के साथ था और मैंने कहा था अपने पापा से, पापा आप ये घेर इन्हीं लोगों को दे दो, मैं तो कहीं बाहर जाकर रह लूंगा। ऐसे लोग हैं पापा जिन्होंने कभी किसी कानून को नहीं माना, अपनी मर्जी चलती है इनकी, इनकी अपनी मर्जी कानून, इन्होंने कभी किसी का लेकर दिया नहीं, किसी की हाँ भर के वो काम नहीं किया, किसी का खेत कब्जा लिया, किसी का घर कब्जा लिया, किसी का घेर कब्जा लिया है, किसी के पशु खोल कर बेच दिए। मम्मी मुझे याद है हम पेड़ लगा कर आए थे, इन्होंने अपने बच्चों से वो सारे पेड़ उखड़वा दिए है। जब पापा ने इनसे कहा तो कहने लगे ऐसे ही उखाड़ेंगे, तुझसे जो उखड़ता हो उखाड़ ले। अजी एसडीएम साहब। ओए थोड़ी बहुत अकल तो होगी, अफसर तो बात कर रहा ढंग से बैठ के कर ले। अजी एसडीएम साहब अनपढ़ बालक थे वे और हम तो घने डांट फटकार के रखे थे पर दूसरे किसी की नहीं सुने थे, हम तो हर टाइम लगे रहते, बस होगी जी उनते बालक ते गलती। दादाजी उन्हें अनपढ़ रखा किसने, उन्हें पढ़ाई से दूर किसने रखा, ये किसकी जिम्मेदारी थी, वे तो बच्चे थे। आपको पता है जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, समझते हैं आप इस बात को? अब कानून है, है? आर्टिकल 45A के तहत अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उन्हें पढ़ाता नहीं, जेल हो सकती है, समझ गए? आर्टिकल 45A। बाबूजी अब तो ये बात इनकी समझ में बढ़िया राड़ागी, अब क्या तुम किसी भी राड़ करके इनके बाल को छोड़ दो, अब क्या आगे गलती नहीं करेंगे, मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ इब जा इनमें बहुत सुधार, अब सही चलेंगे, मैं जिम्मेदार ले। बेटा छोड़ दे, गलती तो इंसान से ही होती है ना। पापा आप एक दिन ऐसा बता दो जब इन्होंने किसी कानून का पालन किया हो, अभी छोड़ दूंगा मैं इनके बच्चों को। बेटा हो सकता हो तो कर दे, हमारी गांव की बात है। पापा मैं आपकी बात मान लूंगा, कानून के खिलाफ जाके भी काम कर दूंगा, अगर ये एक वचन लिखित में दे तो ये कभी किसी बच्चे की कम उम्र में शादी नहीं करेंगे, किसी बच्चे को अनपढ़ नहीं रखेंगे, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देंगे, झगड़ों से दूर रखेंगे, अगर कोई बच्चा गैर कानूनी काम करता हो तो इसकी जानकारी कानून को देंगे। बाबूजी मैं गंगा जल लेके कह रहा है इस बात को, आगे कोई झगड़ा पिसाद नहीं करे, किसी के काम में कोई रोड़ा नहीं अटकावे,
बस इब के तुम्हारा पंडा छुटवा। अजी इब आप मारा विश्वास करो, इब कोई सा कदी लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, किसी धोखा धड़ी में नहीं रहने का, ईमानदारिता कमाऊंगे और ईमानदारिता खाऊंगे, यह हमारी बिल्कुल सच्चाई की बात बता रहे हम। बेटा अब से आगे साफ सुथरा काम करेंगे बालक, हम भी सुधर जाएंगे और वे बालक तो सुधर ही जाएंगे। अब अरे अपने कानून को धर देंगे संदूक में और सरकार के कानून से चलेंगे अब हम। बेटा तू किसी तरह उनका पीछा छुटवा दे, उन्हें छुड़वा दे। भैया किशन मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू किसी तरह से मेरे पोतों को छुटवा दे। ठीक है फिर आप घर जाओ, पापा कल इनके बच्चे इनके घर पहुंच जाएंगे। जी तारा बेटा। ना ना ना, बस ध्यान से राखियो किशन। बाबूजी एक बात कहनी चाहूं, इब तेरे वाला छोरा अफसर हो गया, वह बहुत खुशी हुई हमें इस बात की। मैनू चाहूं एक आधे बालक को कोई से को पानी पात प्यार में हमारे वाले को भी अलग दबा दे। चचा कैसी बात कर रहा है, उसकी नहीं तो सरकारी प्रोसेस है एक, उसकी नहीं तो कानून तौर पे टेस्ट हुआ करे, सबका टेस्ट के थ्रू लगा करे सब। बेटा पिरिया तेरी तो मुट्ठी में तू कहोगी उससे तो लगवाई देगी। चाची मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, सब कुछ सबकी मुट्ठी में है, शिक्षा पाने से मेहनत करने से सबका नसीब बनता है। किशन बाबूजी हमने एसडीएम साहब को विश्वास दिलवा दिया और देखो मैं हूँ जनता का प्रतिनिधि। पहले कुछ गलती इनकी थी, कुछ गलती हमारी भी थी, अब इन्होंने भी सुधार कर लिया और हमने भी अपने में सुधार कर लिया और इनकी डब से सारी जिम्मेदारी मैं लूँ। अब ये या इनके बाड़ा कोई भी गलती करे तो मुझे पकड़ लियो, अब कोई गलती नहीं करने का बिल्कुल भी, मेरे कहने से मान जाओ बस। भाइयों यह बात भरी दुश्मन मारी बड़ी दम से और सिमन में जी बाबू जी जी बालक कम नहीं तो सिमन में पानी सारी जिंदगी का तेल निकल जाएगा इन्हीं लड़ाई और उनकी पढ़ाई लिखाई पे खास कर ध्यान देना, उनकी शिक्षा पे सबसे जरूरी है शिक्षा जीवन में, सफल जीवन शिक्षित होना। छोटा परिवार सुखी परिवार, दो बच्चों से ज्यादा मत करो अगर अपना सही से जीवन जीना है तो। हम तो सुधर गए, इतने सारे बालकों को मारी होगी दुर्गति, हमने कैसे कैसे पाले मारे जी की हमें पता। धन्यवाद। राष्ट्रहित में छोटा परिवार सुखी परिवार।